गुड मॉर्निंग गाइस, क्या ही तो शानदार सुबह हो रखी है यार। पिछले एपिसोड में अगर तुम्हें याद हो तो हमने अपनी शॉप को बड़ा कर लिया था। हाँ, यहाँ तक हमने अपनी शॉप को फैला लिया था। पहले बस इतनी हुआ करती थी, फिर ये और ली अपन ने, फिर ये सेक्शन और बाय कर लिया, तो हमारी शॉप काफ़ी बड़ी हो गई है। और तुम्हें अलग दिख रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि पता है मैंने जितने भी शेल्फ्स है ना उन्हें शिफ्ट करके अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, यहाँ जमा दिया है। मेरे को ना कूलर्स लेने हैं और सामान भी काफ़ी ख़त्म हो गए, लाइक कॉफ़ी मंगानी है। अब भी देखो $91 मेरे पास है, तो एक काम करता हूँ पहले मैं ना थोड़ी चीज़ें ऑर्डर कर लेता हूँ। जैसे कॉफ़ी मैंने कर दी है, ये देखो दिख रहा होगा, हाँ ये डार्क कॉफ़ी मैंने कर दी है। उसके अलावा शायद मेरे पास पास्ता तो है, आटा भी है, अंडे भी हैं, क्रीम, पीनट, ठीक है सब कुछ है मेरे पास। बस ये नहीं है, चॉकलेट्स ख़त्म होने वाली है या मिल्क ख़त्म होने वाला है। तो एक काम करता हूँ मैं मिल्क रख लेता हूँ थोड़ा सा, और चॉकलेट्स अगर मिल जाएंगी मेरे को इस प्राइस में तो नहीं होंगी, पर ठीक है कोई नहीं, अभी मैं यहाँ रख लेता हूँ। बाकी मैं देख लेता हूँ भाई आज प्राइस क्या चल रहा है। देखो 10.21 चल रहा है, मेरे को पहले से ज़्यादा बाय करना चाहिए था, पर ठीक है अब मैं इसको कर देता हूँ 11, ठीक है। और कभी भी बढ़ता घटता रहता है प्राइस, तो मेरे को नुकसान हो जाता है बहुत बार, तो अगर मैं देखूँ ना तो इसलिए मेरे को पहले सबसे पहला काम करना रहता है, देखना पड़ता है मेरे को। तो उठ के सबसे पहले जमाना रहेगा हमें शेल्फ, जैसे कि ये दिख रहा है तुम्हें, ये मेरे पास एक बॉक्स मुझे रखना चाहिए था यार। चलो कोई नहीं यार, रखा नहीं है मैंने, अब समझ में आ गया। एक कार्टून ना मैं अपने पास रखा करूँगा, ये देखो ये भी सही चल रहा है, ये चल रहा है 801, अपन 850 पे बेच रहे हैं, महंगाई बेच रहे हैं अपन तो ये देखो ये बहुत कम चल रहा है, पर मैं बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहा हूँ। फिर भी मेरे पास कम पीसेज हैं तो इनको तो निकाल दूंगा, क्योंकि इन्हें मैंने महंगा ही बाय किया था। ये 230, ये भी बढ़िया परफेक्ट बेच रहे हैं, ये अपन ने देख, ओह 7.79 चल रहा है, अपन 7 में बेच रहे हैं, इसे 8.10 कर देते हैं, है ना, थोड़ा महंगा बेचेंगे ना यार। ये सही चल रहा है, पानी कितने का चल रहा है मार्केट में, और अपन सही बेच रहे हैं। तो अभी अब चालू कर देते हैं अपन शॉप, कस्टमर्स आने स्टार्ट कर जाएंगे। तो भाई अभी तक जिसने लाइक नहीं किया ना लाइक दबा दो, और सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास जिन्हें पसंद है इस टाइप के गेम्स। तो देखो यहाँ पर पहला कस्टमर आ रहा है भाई, मेरे को लग रहा है ना आगे जाके जब ये ग्लोबल रिलीज हो जाएगा ना, फुली लॉन्च हो जाएगा, तो ये बंदा ना पक्का गैंग्स में जाने वाला है। क्योंकि पता है हमारी शॉप में ना गैंग्स आएंगी जो हमसे हफ्ता वसूली करेंगी, नहीं देंगी तो वो अपन शॉप तोड़ सकते हैं, तो भाई वो भी ध्यान रखना है। अभी मेरे को देखो $95 करना है, तो ये मुझे दे देगा उसको क्या यार, मैं पढ़ नहीं पाया। इनको ना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज़ की इन्हें कमी हो रही है वो हमें ना ला के रखना पड़ता है। या तो ये बोल रहे होते हैं कुछ चीज़ की ये एक्सपेंसिव है मैं बाय नहीं कर पाऊंगा, तो वो तो हमें इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है कभी और बाय कर लेना जब पैसे आएंगे। हो 81.20 देना है भाई, 18 रुपये का सामान खरीदा है, $81 इसको वापस करने, ठीक है 81 डन। निकलो जल्दी, पीनट बटर ले लिया भाई, पता है मैंने पीनट बटर की सेव ही नहीं की थी वैल्यू, और है ना मैं बेच रहा था उसे बहुत कम में, अब प्रॉफिट नहीं लॉस में बेच रहा था उसको, तो बाद में मेरे को पता चल गया लिखा आ गया एक्चुअल में, तो मैंने सेव कर लिया। अब मैं जल्दी से ये ऑर्डर कर देता हूँ, और कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ क्या, लाइक तेल तो नहीं ख़त्म हो रहा है, बस ये चॉकलेट्स ख़त्म हो रही हैं और ये ख़त्म हो रहा है, तो भाई मैं एक मिल्क भी ख़त्म हो रहा है यार। मिल्क मैंने रखा है कि नहीं, रखा तो है मैंने मिल्क, तो एक काम करते हैं इसकी थोड़ी सी ना वैल्यू, ठीक है यार इतना परचेज कर लेते हैं पहले, क्योंकि रुपए बहुत कम बचे हैं, मेरे को लाइट्स भी परचेज करनी है रात होने से पहले। 1 रुपये ये लो भाई, ब्रेड कितने लेके जा रहे हो आज, तो अंडा ऑमलेट बनेगा, ब्रेड ऑमलेट बनेगा इनके यहाँ, तो ये 50 और 60 डन। और कुछ, और कुछ नहीं है, तो जब तक मैं जमा लेता हूँ ये, जब तक कस्टमर्स आएंगे। अब तो बड़ी शॉप हो चुकी है ना यार अपनी, ये डन, और जगह खाली का है। अरे यार हाँ एक काम करता हूँ ना, ये उठा सकता हूँ क्या, नहीं उठा सकता, ठीक है ये उठा सकता हूँ। अच्छा भाई सिर्फ यही उठा सकता हूँ मैं, यार ये गलत है, ठीक है यहाँ जमा देता हूँ मैं। ऐसा होने चाहिए, खाली कार्टून में क्यों नहीं उठा सकते, रियलिस्टिक में तो उठा सकते हैं ना अपन, क्यों दिक्कत है उससे। फिर चलो यहाँ पर अपन रख देते हैं ये, और मिल्क का प्राइस मैंने देख लिया था सही चल रहा है, तो इतनी दिक्कत नहीं है, ये हटा देते हैं। बाकी बचा लास्ट में कॉफ़ी, तो ऊपर जमा देता हूँ मैं पूरी कॉफ़ी, डन। अब हो गया आज का तो भाई सब कुछ, क्योंकि अब मेरे को पैसे सीलिंग लाइट के लिए भी बचाने हैं। भाई कितना सामान खरीदा है, ऐसे ही कस्टमर चाहिए मेरे को, पूरा राशन की लिस्ट लेके आए और सब कुछ लेके जाए। $43 ये लो, ये बताओ 2960, ये लो 20, ओ ओ जल्दीबाजी में
29 और ये 60। और क्या कितने देने? 50। ये लो 50 सेंट्स। मिल्क नहीं है? अरे ले आए भाई मिल्क, फिर से देखो लेट आया, शायद उसने पहले सामान खरीद लिया था। अब नाइस भाई, ये कितने सही दे रहे हैं। अब है ना मेरे को सीलिंग लाइट्स भी ऑर्डर करनी है, तो यार आज रात होने से पहले ना सीलिंग लाइट्स ये दो काफी रहेंगी, क्योंकि उस साइड दो लगानी है बस, इधर तो लगी हुई है, जैसे हम जला देते हैं। ये लो, और मैंने बिल भी पे नहीं किया, शायद मेरे को बिल भी पे करने पड़ेंगे, मैं कभी बिल पे करता ही नहीं था, तो अभी मेरे को पता चला कि बिल हमें पे करने रहते हैं हर दिन के, तो अब मैंने कर दिए थे, बाकी आज का नहीं किया तो मैंने आज कर दिया पे। तो अपना सब कुछ हो चुका है, अभी हम देखते जाएंगे क्या क्या सामान मंगाना है, रात होने से पहले हम मंगा लेंगे। तो यहाँ पर 7 इसको वापस करना है, 60 आ जाओ। ओ भाई ये तो पूरा लेके जा रहा है सामान, 5। मैं सस्ते में दे रहा हूँ क्या? एक बार मैं चेक कर लूँ पास्ता का रेट बढ़ गया हो और मैं कम में दे रहा हूँ भाई। नहीं, लेके जा रहे हैं भाई। स्लाइस ब्रेड 97। ओ, ज़्यादा कर दिया मैंने, 97। 40 हो गए ना चिल्लर पूरे, डन। मेरे को सामान गई ज़्यादा मंगाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि है ना जिस हिसाब से अपनी शॉप चल रही है ना, ये तो बिक ही नहीं रहा है यार, इसको कम कर देते हैं, क्योंकि प्राइस ना काफ़ी कम है और मैं इसे बहुत ज़्यादा महंगे में बेच रहा हूँ, तो इसको कर देते हैं 6.60। अब शायद बिक जाए, ये लास्ट पीस बच रहा है, इसके बाद हम मंगा लेंगे। 3.80 ना। ये लो, पीनट बटर मंगाना है हमको। और ये मैंने क्या ऐड किया है? अच्छा स्पॉटलाइट, ठीक है। प्रोडक्ट में ऐड करना है हमको पीनट, पीनट कहाँ गया? पीनट बटर, डन। और क्या ऐड करना है? अभी अपन देखते जाएंगे साथ में, एक साथ मंगा लेंगे फिर। 1 रुपये, ये लो मिल्क। तो अभी पानी की बोतल तो अपनी बहुत है और कम ही बिक रही है पानी की बोतल, या मैंने बहुत ज़्यादा मंगा ली थी? सही प्राइस लगाया मैंने, कम तो नहीं लग, ज़्यादा तो नहीं लगाया वैसे। सब कुछ जा रहा है, आटा भी हमारा चला गया लगभग, और बायो बायो एक्स हमने एक्सपेंसिव कर रखे हैं, देखने देना ज़रा ऐसे कैसे एक्सपेंसिव। अरे ठीक है ना, तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव है भाई, हमें भी तो कमाना है, नई दुकान पूरी सेट करनी है भाई। क्या चाहिए? बॉम बैग कैंडी, बॉम बैग कैंडी ये इधर है, ये नहीं, ये नहीं। अच्छा ये ख़त्म हो गई, ये भी अपन ने ऐड कर दिया। ऐसे ही ना पढ़ पढ़ के ऐड कर रहा हूँ ना, तो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है मुझे। तो 50, 60, 70, 80, डन। तो गाइस 9 बजने वाले हैं, और 9 बजे के बाद ना हमारी शॉप बंद हो जाती है, तो सुबह सुबह होने के बाद हम ऑर्डर करेंगे सामान और मंगा लेंगे अपना और भी ज़्यादा सामान, सारा सामान नया वाला मंगा लेंगे जो हम उस साइड जमाएंगे, शेल्फ मंगाना पड़ेगा उसके लिए। तो 1, 2 और सीरियल्स हमने ऑर्डर किए हैं, कल आ जाएंगे मैम। 50, 60, 70, 80, डन। मिल्क भी ख़त्म कर दिया क्या? मिल्क भी ऑर्डर करना पड़ेगा, मिल्क ऑर्डर कर देते हैं भाई, रात हो गई। अब ये देख लेते हैं अपन, मिल्क मैंने यहाँ रखा है कि नहीं, और सीरियल्स भी नहीं रखे, तो सीरियल्स ऑर्डर करने हैं। अच्छा मैक्स हो गया, इतना ही ऑर्डर कर सकता हूँ एक बार में, अरे यार ठीक है कल ऑर्डर कर देंगे। सीरियल और मिल्क और ऑर्डर करना है, देखो आज तो कितने फ़ायदे में अपन, पर अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया ना इसलिए ज़्यादा फ़ायदे में, तो मैं ये सब ऑर्डर कर देता हूँ, और ना मेरे को जमाना भी है, ये मैंने ऑर्डर कर दिया है। अब मेरे को नेक्स्ट ऑर्डर जो करना है वो है मिल्क और सीरियल्स, ठीक है इसके हो गए। सीरियल चेक और कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। 102 यार, 6 रुपये चार्ज लग रहा है यार, मिल्क भी चाहिए तो एक काम करता हूँ इसको एक ही रखता हूँ, और अब मेरे पास बहुत कम, और देखो क्या कचरा मचा के गए भाई, मजा आ गया। चलो अब सब कुछ कर देता हूँ मैं यहाँ, डन। सीरियल हो चुका है भाई, मेरे को रेट लिस्ट भी चेक करनी पड़ेगी ना भाई, मैं नहीं चाहता हूँ मैं नुकसान में रहूँ, डन। मिल्क भी, पिछली बार मैं हर 2 बोतल है ना भूल गया था, मैंने 2 बोतल कचरे में फेंक दी थी, तो आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया, शायद उसका नाम आशु है, तो उसने मेरे को बताया भाई। ओके, एक लाइट हम यहाँ लगी हुई है ना, एक लगा देते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, जिससे रोशनी दोनों साइडों की, और एक वो लाइट है अपनी,
देखो लगा देता है, इसकी सीध में ही है ना भाई। ये थोड़ा सा जगह दे देनी चाहिए थी यार, हम एग्जैक्ट तो नहीं लगा पा रहे, बट ठीक है यार, लाइट जला के देख लेते हैं काम आ रही है कि नहीं। ओ नाइस, तो लाइट हमारी जल रही है, परफेक्ट। और मैंने सारा सामान भी मंगा लिया है, मैं देख लेता हूँ सीरियल की प्राइस अभी और कम हो गई है भाई, क्या है ये। ठीक है अपन 6 पे देंगे, और सब चीज़ों की प्राइस कम हो गई यार गाइस, मेरे को आज मतलब इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसकी प्राइस 10 है, सही है, इसको तो महंगे में ही बेचेंगे, वैसे भी कम बची हमारे पास। कॉफ़ी हमने मंगाई नहीं थी, दूसरी बार में ऑर्डर करनी है, तो मैंने ऑर्डर किया ना दूसरी बार में, आई क्यों नहीं। एक मिनट, दूसरी बार मैंने ऑर्डर की थी, पहले इसे खोल देता हूँ मैं, जब तक बंदे आएंगे मैं सारी प्राइस चेक कर ही लूँगा। पास्ता 4.84 का है, तो अपन इसे 5.20 में बेचते हैं। और क्या है, ये चॉकलेट्स देख लें अपन, सही है चॉकलेट्स की प्राइस, स्लाइस ब्रेड की प्राइस भी सही है, अपन ने दूध मंगाया उसका भी सही है, पानी का ठीक है, और कॉफ़ी का भी परफेक्ट है, हमने इसकी कम करी दी है, सारी चेक कर लिया मैंने प्राइस, सब कुछ परफेक्ट है। तो अब हम बेचने स्टार्ट करते हैं सामान। मैंने यार ऑर्डर किया तो था यार, है ना, पता नहीं आ गया शायद, मिल्क बाद में ही तो ऑर्डर किया था। हाँ मैंने आ गया सब कुछ। अच्छा इसको वापस भी करना था, कितना वापस करना है इसको। ओके 2.20, ठीक है ये लो, जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी भाई, बिल्कुल तेजी से हाथ चलेगा अपना। अरे फ्लोर नहीं है, अरे यार ठीक है अब हो गया क्या फ्लोर। एक और का ऑर्डर लेता हूँ, 3 मंगाता हूँ डायरेक्ट, है ना, क्योंकि फ्लोर बहुत बिकता है, फ्लोर मतलब हमारे यहाँ का बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है भाई, बेस्ट प्रोडक्ट। तो एक और मंगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, 79, और एक और फ्लोर के लिए मेरे को 119 चाहिए। ठीक है जल्दी हो जाएगा, ये अब भी हो जाएगा भाई, कितना सामान लेके जा रहा है। गुड, वेरी गुड सर। अरे भाई आप लोग, आपके लिए पक्का आने वाले टाइम में डिस्काउंट देंगे हम। तो अभी मैं ये ऑर्डर कर देता हूँ और फ्लोर को जमा देते हैं जगह पर अपनी। 3 को इसे रैक खाली है क्या, नहीं इधर जमा देते हैं फिर, इसको ना यहाँ रख देते हैं, और इसकी प्राइस एक बार चेक कर लेते हैं, सही है परफेक्ट है, बल्कि सस्ती है, मैं सस्ते में दे रहा हूँ देख रहे हो। तो इधर पूरी एक रैक खाली भी हो गई है मेरी, और ये देखो ये वाली रैक खाली हो गई ना, इसको भर देते हैं। ओके मेरे को और शेल्फ्स मंगाने पड़ेंगे, कुछ कूलर मंगाने पड़ेंगे, एक पानी के लिए और एक क्या चाहिए इसको, एक्सपेंसिव है ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी। कितने हुए, 77, 60, 50, 70 और 7 और 60। प्रियरी केक नहीं है, अरे भाई एक एक चीज़ मंगानी पड़ रही है। एक काम करता हूँ मैं ना, एक शेल्फ मंगाऊंगा, 2 प्रियरी केक करूँगा और एक शेल्फ ऑर्डर करूँगा, मतलब मुझे 125 से ऊपर तो चाहिए, $200 चाहिए, उसके बाद प्रेरी केक आएंगे यार, तब तक प्रेरी केक नहीं आएंगे, प्रेरी केक नहीं मिलेंगे, नहीं कैलोरीज होती है उसमें, मोटी हो जाएगी, कितने केक खाने इनको, पहले एक शेल्फ आएगा उसके बाद प्रेरी केक आएगा। जाओ जाओ जाओ, 102 ही हुए हैं यार अभी तो, मेरे को $200 खरीदने, और सामान तो मैंने भर दिया एक्चुअल में ना, दुकान बड़ी हो गई है, मेरे पास सामान कम है ठीक है, पर मैंने ना एक्साइटमेंट में ये सेक्शन बड़ा कर लिया था, ऐसी ज़रूरत नहीं है सेक्शन बड़े की, पर यार शॉप बड़ी दिखनी चाहिए ना। अभी रैक्स ले लेके मैं भर दूंगा भाई, धीरे धीरे ना कमाई करनी पड़ेगी मेरे को, ग्राइंड करनी पड़ेगा, मतलब हर दिन आके पूरी मेहनत करके यहाँ एक एक चीज़ बेच के मुझे कमाई करनी पड़ेगी। देखो $20, अब 20 सेंट वापस करने ना इसको, ये हो गए 20 सेंट वापस, और ये इसको 6 डन, अभी अभी 169 हो गए, कुछ ही देर और हमारे पास हो जाएंगे। कितने करने, एक बार मैं देख लेता हूँ, कितने, 187, 193 करने हैं, मतलब $200 ही करने हैं लगभग। 1 डन, और ये अपने प्रेरी केक आ गए हैं, तो इनको भी जमा देते हैं अपन। अब इसकी प्राइस
प्राइस सेट कर देते हैं। सही है भाई, महंगे ही बेचेंगे केक, कैलोरीज के लिए। तुम लोगों के भले के लिए मैं महंगा बेचूंगा, क्योंकि केक में ना कैलोरी ज्यादा होती है, उससे तुम लोग मोटे हो जाओगे। तो मैं तुम्हारे लिए महंगा बेचूं, मुझे बिल्कुल पैसे नहीं कमाने गई, मुझे बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इनका ख्याल रखना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। ये आ गया है, अब मैं कूलर भी ऑर्डर करने वाला हूँ। ये बड़ा वाला करना है मेरे को, $225 का आएगा। मेरे को लग रहा है यहाँ फिट भी हो जाएगा, जहाँ तक है लोग ले लेंगे यार, जितना तो मैंने जगह बना रखी है लोग ले लेंगे फ्रिज खोल के। तो मैं यहाँ पर ना एग्जैक्ट यहाँ फ्रिज फिट करूँगा, थोड़ी सी स्पेस रह भी जाएगी तो ठीक है, पर मस्त कॉम्पैक्ट हो जाएगा। देखो देखो लेके जा रहे हैं ना, तो 46 नाइस, और 197 हो गए, 225 मुझे करना है। और अभी तो सिर्फ 6:30 बजे, अभी हमारे पास 2.5 घंटा है, 2.5 घंटे में हम कर ही लेंगे, तो आज हमारा बड़ा फ्रिज आ ही जाएगा। पीनट बटर इज़ टू एक्सपेंसिव, ठीक है। पीनट बटर मैं कितने का दे रहा हूँ ज़रा देखूँ तो मैं, हाँ एक्सपेंसिव तो है, 6.80 कर देते हैं ना अपन इसको, थोड़ा बिके भी तो, ऐसा नहीं कि रखे ही रह जाए, क्योंकि और भी सामान हमको ऑर्डर करने रहता है। तो इसी के साथ मैं कितने कमाने वाला हूँ देखता हूँ। पीनट अभी भी एक्सपेंसिव, कुछ भी क्या दिखा ना, ठीक है यार तुम लोग बोल रहे हो तो 70 कर देता हूँ, पर यार ऐसा कोई एक्सपेंसिव तो नहीं था, ठीक है। प्रोटीन का सोर्स है, बायोएक्स खत्म हो गए हमारे, ले आएंगे। और इसी के साथ 225 होने वाले हैं यार अभी हमारे, बायोएक्स थोड़े टाइम बाद लाएंगे। मेरे को बड़ा फ्रिज पहले चाहिए, ये वाले में ना हम पूरी पानी की बोतल से भर देंगे, वो वाला फ्रिज ना मिल्क से भरेंगे। और भी एक लाइसेंस खरीदने वाला हूँ आने आगे जाकर, और प्रोडक्ट का, तो चिप्स वगैरह भी हम बाय करने वाले भाई, वो भी देखना यार मस्त मज़ा आएगा। तो ये मैं 34 कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और 20, ये हो गया मेरा भाई। अब तो शॉप अपनी शेल्फ वेल्फ भी बढ़ गए, आज तो फ्रिज रख के ही रहेगा कुछ हो जाए। ओके मेरे पास रुपये तो हो गए फ्रिज लगाने के, तो मैं मंगा ही लेता हूँ फ्रिज। डन, अब अपन फ्रिज ऑर्डर करते हैं, बेहतरीन वाला ये रहा फ्रिज। और मिल्क के साथ में ऑर्डर कर लूँ क्या मैं, देखूँ क्या एक बार प्रोडक्ट्स, मिल्क का है ये रहा मिल्क, और एक और अब देखते हैं। और 9 के बाद बंद हो जाता है, कोई नहीं हम सुबह होते से ही ऑर्डर करेंगे। गाइस एक दिन और, अभी मैं ऑर्डर करने वाला हूँ अपनी बेस्ट चीज़ भाई, फ्रिज बड़ा वाला, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट है उसको देखने की। तो यहाँ आएगा हमारा फ्रिज, हाँ सही है, तो स्पेस बचा भी रहेगा, तो उसमें छोटा फ्रिज भर सकता हूँ क्या मैं, एक मिनट रुको चेक करने दो। लाइक यहाँ आ सकता है क्या ये फ्रिज, ऐसे में नहीं आएगा है ना, छोटा आ जाएगा। पर वैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको लगाता हूँ यहाँ, पर वो स्पेस रह जाएगी, तो यहाँ लग क्यों नहीं रहा है फ्रिज। अच्छा ये लाइन ओवरलैप हो रही है इसलिए नहीं लग रहे, तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। एक मिनट तुम यहाँ रखे हो, इसको उठा के मैं करता हूँ यहाँ, सिर्फ एक छोटा फ्रिज लग सकता है वहां पर बस। ओ ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन का काम हो गया है, अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमको, पर ठीक है मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए तो इसको यहीं लगा देता हूँ। और ये जो बड़ा फ्रिज है ना, इसको ऐसा करके इधर लगा देते हैं यहाँ, क्योंकि ये हो गया ना। और यहाँ पर अपन एक और शेल्फ लगाएंगे बाद में, तो ये मैंने मिल्क भी मंगाया है, तो मैं मिल्क इसमें जमा देता हूँ, क्योंकि पानी तो मैं उस पर रखने वाला हूँ। और इसका देखें, इसका भी तो कम ही चल रहा है, इसका बहुत टाइम से कम ही होता जा रहा है यार। ठीक है अभी नहीं मंगा रहे हम उसको, जब बढ़ जाएगा तब मंगाएंगे। इसका बढ़ गया है कॉफ़ी का, और हमारे पास पहले से रखी थी, तो हमें ये फ़ायदा होने वाला है बहुत अच्छा। तो हम इसको 7.80 कर देते हैं और कमाते हैं फ़ायदा। और तेल का देखें, तेल का प्राइस तो सेम ही है पर कम हुआ एक्चुअल में, तो हम इसको 35 कर दे, क्या 30 कर देता है ना, 8 पॉइंट। एक मिनट एक मिनट, हाँ सही है, परफेक्ट है। हमारे पास पास्ता नहीं है, पास्ता का प्राइस अभी सेम है, हमारे पास फ्लोर तो काफ़ी है, और ये भी है ठीक है। स्लाइस ब्रेड भी अभी तो है, स्लाइस ब्रेड की प्राइस नहीं बढ़ी है, पानी की प्राइस भी सेम ही रहती है। तो मेरे को पास्ता ऑर्डर करना है, स्लाइस ब्रेड ऑर्डर करना है, एक बार इसमें कर देता हूँ मैं एंटर। एक पास्ता मुझे ऑर्डर करना है और स्लाइस ब्रेड ऑर्डर करनी है, स्लाइस ब्रेड का है। और आज एक नया लाइसेंस भी लेने वाला हूँ इसमें, आज जाके ना एक नया लाइसेंस लेने वाला हूँ, तो इसे ओपन कर देते हैं। तो नया लाइसेंस लेने के लिए मेरे को कितने रुपए चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। $200 हमें चाहिए नया लाइसेंस के लिए, उसमें हमें मिलेंगे चिप्स, ट्यूना,
जो कि फ्रिज में रखेंगे हम हैंड सोप, क्लीनर, शैम्पू और टॉयलेट पेपर, और उसके बाद आएगा मीडियम पैक वन, ठीक है। तो उसमें हम सोडा, सोडा, चीज चीज, विस्की, वाइन तक बेच सकते हैं भाई वाले लाइसेंस में। वाला लाइसेंस है कितने का एक बार मैं चेक करना भूल गया भाई। दारू वाला लाइसेंस $475, ऑब्वियसली भाई मिलना ही चाहिए क्योंकि दारू में बहुत ज़्यादा कमाई होती है। मैं इसको मैं एक रैक में भर देता हूँ। ये मैंने ना इसी का रखा था, मेरे को याद है, ये देखो इसी का रखा था मैंने, तो ये मैंने भर दिया। इसको अब यहाँ रख देते हैं। अब ना एक एक रैक करेंगे अपन अगली बार। तो क्या चाहिए? पीनट, टू एक्सपेंसिव है भाई इनके लिए। मिल्क कितना एक्सपेंसिव क्यों रखा है, मैं एक बार चेक करूंगा। पानी पी रहा है इसलिए, वो दूध एक्सपेंसिव है तो पानी पी रहा है। देखो जरा मिल्क कितना कैसे एक्सपेंसिव किया है मैंने। लो 4.40, अब इससे कम तो मैं नहीं करूंगा भाई। तुम्हें लेना हो लो, मत लेना मत लो, मैं इससे कम तो नहीं करने वाला हूँ। तो यार मैं ना अब सोच रहा हूँ, मैं जो भी सामान मंगाऊंगा ना तो एक ही रैक में जमाऊंगा, लाइक इधर पूरे सीरियल, इधर पूरे ऐसा करके। तो मेरे को रैक ज़्यादा चाहिए रहेंगी, पर जब तक कुछ कुछ चीज़ें तो कोशिश करूँगा कि मैं एक ही रैक में रखी रहें। 86 भाई साहब, 86 हो गया, सारे एक एक बार हो गए तो 86 बन गया। उसके अलावा 60 सेंट्स, ये लो पास्ता वास्ता सब बिक गया, सब बिक रहा है अपना। वहाँ गई वो मिल्क बोतल भी एक्सपेंसिव, पानी की तो मिल्क ले ले, पानी की बोतल एक्सपेंसिव। पता है मेरी कम ही बिकती है पानी की बोतल ना, मेरे को कम कर लेना। अरे यार क्या है ये, ठीक है कम कर लेना चाहिए, कम ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ यार मैं उस पे। तो ये 80 सेंट्स हमें वापस करने हैं इसको, ये लो 80 सेंट्स, और इसी के साथ डन। और हमारे $200 हो गए, तो अब मैं लाइसेंस लेने वाला हूँ। 74.20, 74.20 डन। इसको डार्क रोस्ट कॉफ़ी नहीं मिली है तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। पहले मैं लाइसेंस लेता हूँ यार, कुछ भी हो पहले तो लाइसेंस लिया जाएगा गाइस। आज आखिरकार पहले लाइसेंस लिया जाएगा। मेरे को ना बिल भी जमा करने देखो, पर मैं कर दूंगा जमा, पहले मैं लाइसेंस लूंगा और बिल जमा कर देता हूँ। अब लाइक ये वाला कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, और इसी के साथ मेरे रुपए पूरे खत्म हो चुके हैं। तो अभी तो रुक जाओ, अब मैं लाइट जला देता हूँ एक, और लाइसेंस मेरे को मिल गया है तो मैं और सामान भी ऑर्डर कर सकता हूँ। और मैं ना आगे चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, 47 और 40 हो गया। अभी देखो कल ना मेरे को बहुत सामान मंगाने वाला हूँ मैं। आज तो ठीक है जितना है उतना ही बेचूंगा। 64 वापस करने हैं इसको, ये हो गया 60, ये हो गए 4 और ये हो गया 80। और इसको कितने वापस करने हैं? 0। चलो टॉप ड्रॉप क्लीनर, टॉप ड्रॉप क्लीनर चाहिए उसको। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं मार्केट में जाते हैं। ये देखो और भी चीज़ें आ गई हैं अब। तो टॉप ड्रॉप क्लीनर कहाँ पर है? ये है, इसको ऐड कर लेते हैं। 35 का है, कोई नहीं, एक एक बार तो मंगा ही लेते हैं। 40 सेंट्स, ओ भाई भाई भाई, $40 दे रहा हूँ मैं वापस उसको, बच गया। लाओ लेके आओ। वो लोग पता है मना भी नहीं करते, लेके जाते हैं बकायदा। मैंने एक बार ज्यादा दे दिए थे, उसने मना भी नहीं किया। सीरियल खत्म हो गए, चलो सीरियल भी ऑर्डर करने हैं अपन को। सीरियल ये रहे, डन। और क्या ऑर्डर करने बताते जाओ भाई। मैं ना बिल्कुल 9 बजे से पहले ट्राई करूंगा ऑर्डर कर दूँ, वैसे टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है तो शायद ना कर पाऊँ मैं। ये बहुत सामान लेके जा रही है, आज पार्टी है भाई, आज तो पार्टी है। 90, ओ भाई 10 सेंट एक्स्ट्रा लेके चली गई जल्दबाजी में, देख रहे हो वापिस भी नहीं करते हैं ये, बिल्कुल वापिस नहीं करते हैं। अब कल सुबह ही मंगाऊंगा मैं सामान, क्योंकि ना अभी ये लोग आ रहे हैं, ये चीज़ें भी मंगा लूंगा क्योंकि रुपए आ रहे हैं तो एक साथ मंगाऊंगा। शिपिंग चार्जेस लगते हैं ना इसलिए मैं एक साथ ही मंगाऊंगा। 40, अब देख लूँ पहले मैं, पिछली बार ज़्यादा ले गई। हाँ सीरियल का ऑर्डर कर रहा हूँ मैम, भाई बहन मेरे से ज़्यादा रुपए लेके गई है, 10 सेंट, ठीक है वो तो मैं अमीर हूँ। नहीं तो हैंड सोप चाहिए इसको, हैंड सोप, हैंड सोप कहाँ पर है? डिस्प्ले टॉयलेट, ये रहा डन।
और क्या हो गया, आज का दिन खत्म पर अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम दिन खत्म नहीं करेंगे। पुलिस आ जाएगी तो बात अलग है, पर अभी हम एक दो और बेच देंगे, थोड़ी कमाई ज्यादा हो जाएगी तो कल इन्हीं के लिए ज्यादा सामान मंगाएंगे ना अपन। तो यहाँ पर ये बोटल्स उठा लिए हैं, इस वाले सेक्शन में तो पूरी बोटल बनने वाला हूँ, बस ये दूध और बिक जाए। ये लो पीनट बटर, देखा कितना सामान लेके गई वो, मैं बंद कर देता तो बेच नहीं पाता मैं ये। डन, डार्क कॉफी डार्क अपने डाली है ना यार, नहीं डाली, ये भी डालना है। तो डार्क कॉफी कहाँ है अपनी, डार्क कॉफी ये रही। कितना हो गया 50। अब मैं इसके अलावा ना एक काम करता हूँ, कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ, लाइक एक बार देखने दो, आटा खत्म हो चुका है, आटे के आटे आटा ऐड कर देता हूँ, और अब देखता हूँ मेरे पास कितने डॉलर। ठीक है, ये सब मैं कल परचेज कर सकता हूँ। तो गाइज ये हम करेंगे कल परचेज। और देखो लाइट्स मैंने लगा दी है, यहाँ पूरी रैक भर दी है, यहाँ पर मैं एक और छोटा फ्रिज लगाऊंगा बिल्कुल ऐसे में, समझ रहे हो, जैसे ये लगा है ना ऐसे में एक फ्रिज लगाऊंगा, तो ये जगह खाली रहेगी जिससे यहाँ से फ्रिज से लोग निकाल सकें। ठीक है, उसके बाद अपन ये भरेंगे, और लाइसेंस आ गया है अब तो और सामान मंगाने वाले। तो मेरे को बताना कमेंट करके कि ये सीरीज तुम्हें लग कैसी रही है भाई। अपन है ना इस शोरूम को बहुत बड़ा कर देंगे, और आपको पता नहीं है आगे जाके क्या होने वाला है, पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाला है जब ये लॉन्च हो जाएगा फुली ये गेम। तो यार तुम कमेंट करके बताना जब भी ये लॉन्च होगा तो मैं पूरा बाय करूँ या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।